नमस्कार दोस्त, नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 12/11/2019 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। इधर मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया है। इधर देखिए, ये अप ट्रेंड इसका चालू है। ये आज 38.2% क्रॉस करके फिर से इतना ऊपर गया, मतलब 31,203 तक ये गया है। तो इसका और ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी, ये और ऊपर भी ऊपर जाएगा तो ये 31,650 तक आ सकता है। उसके बाद फिर 31,932 तक जा सकता है। नीचे जाएगा तो ये फर्स्टली 30,800, उसके बाद 30,600, उसके बाद 30,000 के तक आ सकता है, और उसके बाद फिर और भी नीचे जा सकता है। तो जो अभी जो लगता है ये इसका कंसोलिडेट करके थोड़ा सा आप में ही रहेगा, लेकिन 30,700 के ऊपर ही रहेगा। थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये अप ट्रेंड में ही जाने का कोशिश करेगा, 30,700 या 30,500 के ऊपर ही रहेगा ऐसा लगता है। और निफ्टी का मैं ये देखूंगा तो निफ्टी में देखिए, ये आज थोड़ा सा नीचे गया है। ये 12,034 के ऊपर जाने के बाद ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन 800 में इसका सपोर्ट है, 800 में इसका सपोर्ट है। उसके बाद फिर 11,750, उसके बाद 11,720, उसके बाद ये पिवट पॉइंट जो लेवल है 11,638, इसमें ये सपोर्ट लेगा। तो अभी इसका लगता है कि देखिए एमएसडी लाइन इधर कॉन्वर्ज कर रहा है, तो थोड़ा सा नीचे ये आ सकता है। तो इधर जो बैंक निफ्टी में जो हम लोग दिखा था है, ये अभी भी ऊपर गया है, लेकिन फिर से ये उधर से भी कंसोलिडेट करके नीचे आ सकता है। ये अभी तक कन्वर्ज नहीं हो रहा है, इसका अप ट्रेंड भी है, लेकिन RSI ओवरसोल्ड में जोन में चला गया है, तो कॉन्ट्राडिक्ट भी आ सकता है। तो इधर कंसोलिडेट करके 30,700 तक आ सकता है, एटलीस्ट 30,470 का जो लेवल है वो इसका वाइटल लेवल है, 30,450, 30,770 वो ब्रेक करेगा तो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, नहीं तो अप ट्रेंड में कंसोलिडेट करके ऊपर ही रह जाएगा। और इसका ऑप्शन चेन मैंने एनालिसिस करूँगा तो निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो PCR रेशियो है ये 1.7 हो गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट लेने का मतलब नीचे आने का प्रोबेबिलिटी हाई है, ये कॉन्ट्राडिक्ट ले सकता है। इसका 31,500 में रेजिस्टेंस है, और 31,500 में इसका रेजिस्टेंस है। इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कॉल्ड साइड में, और इधर 31,000 में फर्स्ट सपोर्ट, उसके बाद 31,700 में इसका सपोर्ट है। तो इसको इधर शॉर्ट हुआ है, ये भी शॉर्ट बिल्ड हुआ है, इधर थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। तो इधर लॉन्ग होने से ये बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, इधर भी लॉन्ग बिल्ड अप हुआ है, लेकिन ऐसा होगा लगता नहीं है कि कोई कॉन्ट्राडिक्ट लेने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। और निफ्टी का देखेंगे तो देखिए, ऊपर जाने का और नीचे जाने का सभी कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बाद ये देखिए, ये PCR रेशियो 0.89 रह गया PCR रेशियो निफ्टी का। इधर 12,000 में ये इसका रेजिस्टेंस है, और इधर लॉन्ग अनविंडिंग भी हो रहा है, इधर नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हुआ है, इधर लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है, मतलब ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है। और 11,800 में इसका सपोर्ट है, इधर शॉर्ट बिल्ड, इधर भी शॉर्ट बिल्ड अभी भी चालू है, मतलब